हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडेज आई एम गोइंग टू स्टार्ट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का जैसा कि मैंने अगली वीडियो में आपके लिए बताया है, इससे जो पहली वीडियो थी उसमें इंडेफिनिट का पहला पार्ट सिखाया था मैंने। इंडेफिनिट को आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप अच्छे से सीख पाओ, मैंने इंडेफिनिट को चार भागों में सिखा रहा हूँ। पहला भाग मैंने करा दिया है, जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है उसको जरूर देखे। तो यूज ऑफ दियर के नाम से है, उस पहली वीडियो है इंडेफिनिट के, पहली वीडियो वो है। और आज ये दूसरा पार्ट भी कराऊंगा, इसमें तीसरा भी कराऊंगा। इंडेफिनिट को आज कंप्लीट कर लेंगे हम। इसके बाद ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, आप कभी भी इंडेफिनिट में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और जिस बच्चे ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं, ताकि हमारी नई वीडियो, जो भी नई वीडियो आए उसके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मैं स्टार्ट करता हूं इंडेफिनिट का दूसरा तरीका। इंडेफिनिट को हम सिंपल भी बोलते हैं, इंडेफिनिट को हम यूनिवर्सल भी बोलते हैं। इंडेफिनिट की एक, इंडेफिनिट को तीन नामों से जाना जाता, बट इंडेफिनिट मैंने कितने पार्टों में बांटा है? चार पार्टों में। पहला पार्ट यूज ऑफ दियर है, और दूसरा पार्ट कौन सा है? यूज ऑफ इज आर एम। देखते हैं इज आर एम किसमें। वैसे हम बेसिकली जानते हैं कि ये प्रेजेंट में है आता है और हम इसमें इज आर एम लगाते हैं, बट हम ये देखेंगे कि हम कैसे लगाते हैं। देखते हैं, जैसे कि मैंने इंडेफिनिट सिखा रहा हूं दूसरा पार्ट, और दूसरे पार्ट में हमने क्या, पहला पार्ट सीख लिया यूज ऑफ दियर, और दूसरा पार्ट है यूज ऑफ इज आर एम। देखते हैं, जैसे कोई भी हमने स्ट्रक्चर, इसका पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता, सब्जेक्ट प्लस इज या आर या फिर एम आएगा, और या फिर इसके बाद प्लस कोई चीज फालतू है तो उस चीज को हम ओके नाम से भी कह सकते हैं। कोई भी चीज आएगी बाद में, और बाद में फुल स्टॉप आएगा। आप एक बात सीख लीजिए बस, इज किसके साथ आएगा, आर किसके साथ आएगा, एम किसके साथ आएगा। देखते हो, मैं आपके लिए बताता हूं इसमें क्या है, ध्यान से देखना है सभी बच्चों को। जैसे ही होता है, एक ही है, एक सी है और एक इट है। और या फिर किसी का नाम ले लूं, मैंने कहा जैसे रवि है, या फिर कोई भी कमल है, रवि है, कोई सीता है, रवीना है, कोई भी नाम आ जाए तो उनके साथ में क्या आता है प्यारे बच्चों, इज आता है। ये लगते कैसे हैं, ये किसके लिए लगे, अगर हम हिंदी से भी सीखे इन्हें तो ये तीनों के लिए, ही सी और इट, इनके लिए वह आता है। क्या आता है? वह। और एक बात और याद रखनी है आपको, बहुत गहराई का पॉइंट, ध्यान से सुनना सभी, इस बात को नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। ये किसके लिए लगता है? बॉय के लिए लगता है। अगर लड़का, लड़का के लिए वह लगता है तो ही लगाना है, और लड़की के लिए लगता है तो हमको क्या लगाना, सी लगाना है। सर इट कहां पर आता है? फिर सर इट के बारे में हमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मैं आपकी आज प्रॉब्लम्स को दूर कर दूंगा। इट कहां लगता है? एक तो इट आप वह, ये तो पक्का है कि ये तीनों वह के लिए लगते हैं, ही सी और इट। लेकिन इट किसके लिए लगता है वह में? वह इट लगता है या तो कोई बर्ड से, That means कोई चिड़िया, उड़ने वाली कोई भी चीज है, या कोई पशु पक्षी है, एनिमल्स। कौन है? एनिमल्स। और या फिर हम इट लगाते हैं, मान लो बेबी, जिस बच्चे का अभी हमें ये पता ना हो, मान लो छोटा बच्चा, तो उसके लिए हम इट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इट का यूज। जैसे मैं आपके लिए बताऊंगा, पहले आप इस चीज को उतार लीजिए या आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखो और क्या है, एम किसके लिए लगता है ये भी याद रखना, आई के साथ एम आएगा, आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा, आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा। और इसके बाद में क्या है, देखो आर किसके साथ में आता है, यू वी और दे, इन तीन के साथ में क्या था, आर। या कोई प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन दैट मीन्स ये है, ज्यादा लड़के, तो मैं कह सकता हूं बॉयज, क्या कह सकता हूँ बॉयज। या फिर मैंने बोला रवि एंड श्याम, अगर दो नाउन एक साथ आ जाएं, या फिर नाउन ही प्लूरल हो तो उसके साथ क्या लगाना होता है, आर लगाना होता है। क्या लगाना होता है? आर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आर। आर का यूज करना होता है, मैंने जैसे कि यहां बताया है, इज या आर या एम, इनमें से कोई एक लगाना होता है। तो तुम किसके लिए आता है, जैसे हम सीखते हैं तुम के लिए यू आता है और आपके लिए भी यू आता है। एक तुम्हें गहराई की बात बताऊंगा, तुम सभी जानते हो तुम और आपके लिए आता, लेकिन हम लोकेलिटी में क्या करते हैं, बहुत से बच्चे बोल देते हैं तुमको, तुमसे, तुमते, देहाती लैंग्वेज में तुमते, तुमसु, कुछ भी कोई बोले, जैसे आप, आपनसु, आपनते, आपनलु, कोई कुछ भी बोले तो उसी के लिए यू लगता है। आपको समझना है ता तरबूज, और छोटा आया बड़ा आगे आएगा, तो याद रखना यू ही लगाना है हमको।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वी है। तो वी पे किसके लिए लगाते हैं, हम के लिए लगाते हैं। वी किसके लिए लगाते हैं, हम के लिए लगाते हैं। हमसे ऐसे पॉइंट होते हैं जैसे हम, हमनते, हमनलु, हमनसु, कोई कुछ भी बोले तो आपको वी ही लगाना है वहां पे, अगर हा हल से कोई साउंड चालू होती है। और नेक्स्ट क्या, वे। तो ये दे किसके लिए लगता है, वे के लिए। वे की एक बात और याद रखनी, उन भी आएगा, क्या आएगा, जैसे उनसे, जैसे उनको, उनते, कोई कुछ भी बोले, उन, उनसे, उनते, उनको, उनसु, तो इन सभी के लिए क्या लगेगा, दे लगेगा। हम क्या करते हैं, हम बेसिकली सीख लेते हैं, आप खाना खाते हो, किसी ने ये बोल दिया तुम खाना खा, तुम ते, तुम भोजन कर रहे हो, तो तब भी यही लगेगा। और किसी ने बोली तुमनते बोल तो दी, तुमनते बोल तो दी, कुछ भी लगाओ तो आप यू का यूज करोगे। आपनते, कोई कह रहा आपनते बोल तो दी मैंने पहले, कोई देहाती लैंग्वेज यूज करे या कोई शहरी लैंग्वेज यूज करे तो आपको ये समझ जाओगे कि यू कब लगेगा, हम, वी कब लगेगा, दे कब लगेगा। और बॉयज लड़कों के लिए जैसे हमने बोला ज्यादा लड़के हैं, मोर देन वन है, मैक्सिमम मोर देन वन है, टू हो, थ्री हो, कितने भी हो, तो उसके लिए भी आर का यूज होगा, उसके लिए भी किसका यूज होगा, आर का यूज होगा। तो सभी बच्चों का आई थिंक ये समझ में आया होगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, जिस बच्चे ने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं एक तरफ हट रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, क्योंकि इनके साथ क्या आएगा, इज, आई के साथ क्या आएगा, एम, और इनके साथ में क्या आएगा, आर। आई थिंक सभी ने ले लिया होगा, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, देखो आगे इस पे, अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना सभी बच्चे। प्रैक्टिस में हम ज्यादा नहीं, सिर्फ फोर टेंस लेंगे, कितने लेंगे, फोर, और हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हो जाएगा। दूसरा कौन सा पार्ट चल रहा, पहला किस किस को कहा मैंने इंडेफिनिट में, पहला यूज ऑफ दियर था, और अब कौन सा इंडेफिनिट का ही यूज ऑफ इजारे में। मैंने इनको चार पार्टों में बांटा, एक पार्ट करा चुका हूं, दूसरा आज मैं तीनों पार्ट करा दूंगा, और हर बच्चे की ये प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी, इंडेफिनिट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसमें मिलेगा। देखो मैं इसमें चार ही टेंस कराऊंगा, बहुत ध्यान से देखना। जैसे कोई बोलता है कि वह, वह, कोई बोलता है कि वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, तो हम कैसे बनाएंगे, ही क्यों लगाए, क्योंकि लड़का है, वह क्या है, एक लड़का है, तो ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। और आपको ये बात भी याद रखनी है, जो भी ही, सी और इट, इनके साथ हमेशा एक ही आएगा, ओनली सिंगुलर। बच्चे क्या कर देते हैं कि वह चार लड़का है, गलत है बिल्कुल, वह के साथ सिर्फ एक आएगा, क्या आएगा, वह के साथ सिर्फ एक आएगा। अब हमने लड़के के लिए क्या लगा दिया, ही, तो हम अगर लड़की की बात करें कि वह एक लड़की है, वह एक लड़की है, वह एक लड़की है, तो हम क्या लगाएंगे लड़की के लिए, सी, क्या लगाएंगे, सी इज अ गर्ल, सी इज अ गर्ल, तो लड़की के लिए क्या लगाया, सी, और लड़के के लिए क्या लगाया, ही। एक बात और समझ ली हमें, बहुत प्यारी सी बात है, जैसे कोई ये बोल दे, ये बहुत मिस्टेक होती है कि वह एक तोता है, वह एक तोता है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पे होती है, हम इसको सीख जाते हैं ही और सी को, लेकिन ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है बच्चों के लिए, इसी बात में सभी मिस्टेक करते हैं। इसमें आपको क्या यूज करना है, तोता, ये बता, ना तो ये लड़का है और ना ही ये लड़की है, तो तुमको क्या यूज करना है इसमें, इट यूज करना है, क्या यूज करना है, इट, इट इज अ पैरट, क्या बोलेंगे, पैरट, पी ए डबल आर ओ टी, तो क्या बोलेंगे, पैरट, क्या बोलेंगे हम, इट इज अ पैरट, इज दैट क्लियर, सभी के समझ में आया होगा। ये मैंने सिंगुलर वाले बताए, अभी मैं यू वी दे का भी यूज कराता हूं इसी में, इसको सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। देखो मैं आगे कराता हूं आपके लिए, ध्यान से देखना सभी बच्चों को, बहुत ध्यान से देखना, और जो भी नए बच्चे हों या आपके कॉन्टेक्ट में कोई बच्चे हो, आप उनको वीडियो को जरूर शेयर करें, उनको ये बताएं कि सर इतने अच्छे लेवल से इंग्लिश कराते हैं, ताकि कोई वीक बच्चा है और हिंदी मीडियम का है या फिर इंग्लिश मीडियम का, ताकि वो अच्छे से सीख पाए और उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है और इंग्लिश का जो भूत है उसके माइंड से निकल जाए। देखो इसमें वी के, अब मैं तुम की बात करूं, जैसे तुम कह दे कोई, कोई बोलेगा तुम, तुम के साथ क्या है, आप मोर देन वन लगा सकते हो, वन लगा सकते हो, जैसे हमने बोला तुम चार लड़के, या तुम चार आदमी हो, तो बात किसकी, प्रेजेंट की, तो मैं कैसे बोलूंगा यू, या आप चार आदमी, या तो कोई तुम कह दे, या कोई तुम कह दे, और या कोई कह दे आप, तो दोनों सेम होते हैं, तुम और आप। जैसे हमने बोला यू आर फोर
यू आर फोर मैन, एम ई एन होता है प्लूरल के लिए और सिंगुलर के लिए क्या होता है एम ए एन। ये भी बहुत से वर्ड होते हैं, मैं ऐसे आपके लगभग 20 वर्ड्स कराऊंगा जिनके प्लूरल एस से नहीं बनते और उनमें बच्चे एस लगा के मिस्टेक कर देते हैं। लगभग 20 वर्ड 20 वर्ड ही कराऊंगा और आपके मैक्सिमम वर्ड उससे क्लियर हो जाएंगे जो हमारे ज्यादातर डेली यूज में आते हैं, इनमें हम ज्यादा मिस्टेक करते हैं, इनको मैं अगली वीडियो में जरूर कराऊंगा इसी को, जो प्लूरल क्या है और इसका सिंगुलर एस से नहीं बनता, कैसे बनता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, मैं सभी डिफरेंस को दूर करूंगा। तो तुम और आपकी आपके समझ में आ गया होगा यू के साथ आर आएगा, यू के साथ क्या आएगा आर। अब हम के साथ एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम 10 विद्यार्थी हैं, हम 10 विद्यार्थी हैं, तो हम के लिए क्या लगा हुए आप, हम के लिए आपको लगाना है वी, क्या लगाना है वी आर 10 स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, तो हमने क्या लगाया आर, क्या लगाया वी के साथ आर। यही कंडीशन होती है दे के साथ में, इन दोनों को जोट डाउन कर लेना, स्ट्रक्चर यही है। आगे क्या आता है सब्जेक्ट आता है, बाद में या तो इज या आर या एम, तो हमने क्या लगाया आर इनके साथ यू वी और दे के साथ, और बाद में क्या है जो चार आदमी है तो फोर मैन, इज दैट क्लियर। सभी बच्चे से जोट डाउन कर लेना, बहुत इत्मीनान से सीखना है, और जिस बच्चे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अगर इसे समझने में आ रही हो तो वीडियो को रिप्ले करके देखे, दोबारा चला के देखे, और कोई भी प्रॉब्लम अगर उसकी रह जाए और कोई मान ले हमसे कोई छूट जाए कोई बात, तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि आप सर ये चीज रह गई है या आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन भी क्रिएट कर सकते हैं और आपको हम तुरंत तो उसका रिप्लाई भी देंगे आपके लिए। तो मैंने इरेज कर रहा हूँ, देखते हैं आगे दो टेंस और करा रहा हूँ बेसिस पे, और ये प्रेजेंट का प्रेजेंट की जो दूसरी कंडीशन है इंडेफिनिट की दूसरी कंडीशन और वो प्रेजेंट में है वाले में वो क्लियर हो जाएगी। देखो मैं इस पे किस पे करा रहा हूं, वे पे, जैसे हमने बोला वे दो कलम, ये वे दो बिल्ली है। अब सर प्रॉब्लम हमें यहां आती है, आप बताते हो सर बिल्ली वगैरह के लिए तो इट आता है, ये सत्य है इट आता है, लेकिन वह जब वो एक को बताए, जब सिर्फ एक को बता, अगर मोर देन वन के लिए बता वे या हम या तुम तो आर ही आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना उसमें इट आएगा, ठीक है, उसमें वे की दे ही आएगा, क्या आएगा दे, जैसे हमने बोला दे आर टू कैट्स, कैसे लगाएंगे दे आर टू कैट्स, तो दे के साथ क्या लगाया आर, क्या लगाया आर। एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम, आई वाला वो छूट गया हमसे, उसे भी देख लो, जैसे हम मैंने बोला कि मैं, और ये भी याद रखना मैं हमेशा अपने लिए लगता है, फॉर मी ओनली, अपने लिए मैं लगता है, कभी आप ये सोचो कभी ऐसा नहीं हो सकता, क्या मैं एक बंदा हूं तो एक ही तो बता पाऊंगा, मैं यही तो कह सकता हूं मैं एक टीचर हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं 10 टीचर हूं, कभी नहीं कह सकता, ये बिल्कुल रॉन्ग है, और आपको हमेशा मैं के साथ एक लगाना, अगर आपको ज्यादा बताने तो हम लगाना, क्या लगाना फिर हम, जैसे मैं एक टीचर हूं या फिर मेरे साथ ज्यादा है तो मैं बोलूंगा हम चार टीचर्स हैं, तो ये मिस्टेक मत करना, मैं के साथ एक लगेगा, मैं एक विद्यार्थी या मैं एक अध्यापक हूं, तो क्या बोलेंगे मैं एक अध्यापक हूं, तो कैसे यूज करोगे आई एम आ टीचर, तो कैसे लिखेंगे आई एम आ टीचर, आई के साथ क्या लगेगा हमेशा एम लगेगा, इस बात को कभी मत भूलना कि आई के साथ प्रेजेंट में एम लगता है। मैं बाद में इन चीजों को रिफ्रेश करूंगा तुम्हारे माइंड में और एक नई ट्रिक तुम्हें दूंगा, पहले आप इन चीजों को एक बार देख लो अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और जिस बच्चे के पास नोटबुक अपना पेन और नोटबुक साथ रखें अपने और सभी बातों को क्रम बाय क्रम लिखते रहें, ताकि आपको ये मेरा प्रॉमिस है पूरी इंग्लिश में ग्रामेटिकल पोर्शन हो चाहे स्पोकन पोर्शन हो, मैं वादा करता हूं आपसे आपकी कंप्लीट हो जाएगी और एक ऐसी बेहतरीन लेवल से करा के चलूंगा, आपकी जो उसमें प्रोनाउंसिएशन वगैरह उस पर भी ध्यान दिया जाएगा और हर चीज आपकी अलग होगी, औरों से अलग हटकर सीखना, औरों से हमें हटना है और हटकर सीखना। तो देखते हैं ये सभी ने लिख लिया होगा आई थिंक, मैं इसको इरेज करता हूं और स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी नोटबुक में जरूर लिख लेना, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखो आगे क्या, अब मैं इसी बात को इंडेफिनिट की दूसरी कंडीशन अब किसमें बताएंगे सर, अब बताएंगे हम पास्ट में, किसमें बताएंगे
पास्ट में। तो अब क्या आ जाएगा भैया, अब आ जाएगा पास्ट। तो उसमें क्या लगेगा पास्ट में, स्ट्रक्चर ही बता रहा हूँ, यूज ऑफ वाज वर्ब के नाम से जाना जाता है। देखो तो ये पास्ट इंडेफिनिट की दूसरी ही कंडीशन है। देखो टेंस तो होते हैं तीन, एक तो प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर है। उन तीनों के बनेंगे इंडेफिनिट, बनेंगे कंटिन्यूअस, बनेंगे परफेक्ट बनेगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा। हम क्या सीख रहे हैं, सिर्फ इंडेफिनिट को। किसको सीख रहे हैं, सिर्फ इंडेफिनिट को। इंडेफिनिट में भी हमारी दूसरी कंडीशन चल रही है जिसे यूज ऑफ इजारम के नाम से जाना जाता। अब पास्ट में अगर बात आती है वाज वर में, तो इसमें पास्ट में क्या आएगा, वाज वर आएगा। क्या आएगा, वाज वर। ये वाज नहीं होता, वाज क्या होता, वाज तो एक गमला से बोलते हैं। किससे बोलते हैं, जिसमें फुलवारी वगैरह लगाते हैं। ये क्या होता, डब्ल्यू को प्रोनाउंस कैसे करते हैं, होठों को आगे निकाल कर, वोज। कैसे बोलते हैं, वोज, वाटर, वेट। जब भी डब्ल्यू आए तो उसको होठों को आगे निकाल के बोला जाता है, जैसे वोज, दैट इज वर। इज दैट क्लियर। अब मैं पास्ट में कैसे बताएंगे, देखो पास्ट में ध्यान रखना है सभी को। ये मैंने इनकी हिंदी पहले ही बता दी, ही, सी और इट। और एक नाम आ जाए जैसे रवि आ जाए, राम आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो इनके साथ क्या लगाना है, हमको वॉज लगाना है। क्या लगाना है प्यारे बच्चों, वॉज लगाना है इनके साथ। और नेक्स्ट क्या है, इसके साथ अब वर्क किसके साथ लगेगा, प्लूरल के साथ, यू, वी एंड दे। और बोथ नेम्स हो या ज्यादा नेम हो तो मैं बोलूंगा बॉयज, तो इनके साथ क्या लगेगा, वर लगेगा सर। फिर आई के साथ क्या लगेगा, देखो पास्ट में आई के साथ प्यारे बच्चों, आई के साथ भी वॉज ही लगता है। आई के साथ भी क्या लगता है, वॉज लगता है। सभी बच्चे इसे देख लो एक बार ध्यान से, आई, ही, सी, इट और एक नाम के साथ वॉज लगता है, यू, वी, दे और बोथ नेम या प्लूरल नेम्स आ जाते हैं तो उनके साथ वर लगता है। क्या लगता है, वर। इज दैट क्लियर। सभी इसे जॉट डाउन कर लो, मैं अभी इस पे एग्जाम्पल्स करा रहा हूं आपके लिए और ध्यान से देखना सभी को। देखो स्ट्रक्चर तुमने लिख रखा है, स्टेज स्ट्रक्चर को जॉट डाउन जरूर करना। अगर स्ट्रक्चर तुम्हारे माइंड में, तुम कभी मिस्टेक नहीं करोगे और तुम कभी नहीं भूल पाओगे। तुम किसी को पढ़ा भी सकते हो, तुम अपने बहन भाई छोटे या घर में कोई भी, आप उसे भी सिखा सकते हो इस लेवल से। देखते हैं, जैसे हमने कहा मैं एक किसान था, मैं एक किसान था, मैं एक किसान था, तो क्या बोलेंगे, आई के साथ क्या आएगा, वॉज अ फार्मर। क्या आएगा, फार्मर। आई वॉज अ फार्मर, क्या है, आई वॉज अ फार्मर। ही आ जाए, चाहे सी आ जाए, इट आ जाए, एक नाम आ जाए, तो उसके साथ क्या लगाएंगे, वॉज। क्या लगाएंगे, वॉज। देखो नेक्स्ट क्या है, जैसे हमने हम बोलते हैं, जैसे राम एक भगवान, सॉरी इसको नहीं, राम जी को नहीं लेते हैं, कोई और वर्ड लेंगे यहां पे, राम जी को नहीं। जैसे हमने बोला कि कवि किसी का नाम है, कवि एक ड्राइवर या कवि एक चालक था। कवि क्या था, एक चालक था, कवि एक चालक था, कवि क्या था, एक चालक। तो क्या बोलेंगे, कवि का नाम लिखो, कवि एक नाम है, कवि वॉज सिंगुलर है इसलिए वॉज आया, कवि एक ही तो आदमी, कवि कितने, एक ही तो है कवि, एक ही लड़के का नाम है, तो कवि वॉज आ ड्राइवर। क्या होगा, ड्राइवर। आई थिंक सभी के समझ में आया होगा कि हम वॉज कहां पे लगाते हैं। सर वॉज तो आ गया, सभी से जोट डाउन कर लो, अपने पेन और नोटबुक साथ में रखो और पेन से इसे लिख लो, पेन डाउन कर लो सभी। और इसके बाद हमें इसमें वर बताता हूं, क्या बताता हूं, वर कहां पे लगता है। देखो वर का यूज कैसे करेंगे, सभी इसे लिख लिया होगा, आई थिंक मैं रेज कर दूं, वर कहां पे लगेगा, इसको भी रेज कर दूं, स्ट्रक्चर लिख लिया होगा सभी ने, जिसने नहीं लिखा वो स्ट्रक्चर को जरूर लिख लेना। वर कैसे यूज करेंगे, ये बहुत बहुत बड़ी बात होती है बच्चों के लिए। वर ऐसे यूज होता है, जैसे हमने बोला तुम एक लड़का थे, तो एक ये बनाया, एक मैंने आपके, जैसे हम पे बोले हम सभी विद्यार्थी थे, हम सभी क्या थे, विद्यार्थी थे। दो ही सेंटेंस करा रहा हूं, आपको ये समझ में आ जाएगा वो वर कहां पे लगेगा। इसके बाद देखना, मैं ये फर्क बताऊंगा कि डियर कब लगाते हैं और सब्जेक्ट को कब लगाते हैं।
डियर की क्यों जरूरत पड़ती है हमें, क्योंकि डियर मैंने इससे पहली वीडियो में बताया और इस वीडियो में हम लिंक दे रखी है हमने नीचे, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। डियर का यूज जिस बच्चे ने सीख लिया सभी समझ में आएगा, उसके सभी समझ में आएगा मेरा कराया हुआ। डियर के बारे में मैं अभी बताऊंगा, डियर मैन इसमें क्या डिफरेंस है। देखो यू वर अ बॉय। अब बच्चे को प्रॉब्लम होती है, सर यू के साथ तो हम एक भी लगा सकते हैं। हाँ, आप यू के साथ एक भी लगा सकते हो, यू के साथ ज्यादा भी लगा सकते हो। कहते हैं कि तुम एक अच्छे आदमी हो, तुम एक अच्छे आदमी हो, या फिर ऐसे बोलते तुम लोग यार बहुत अच्छे हैं, जब ज्यादा होते तुम लोग या तुम सभी, इस तरीके से वर लगाना होता। और वी, जैसे वी के साथ क्या, वी ऑल सभी है ना, तो वी ऑल वर स्टूडेंट्स। कौन हो, स्टूडेंट नहीं लेते, नया वर्ड लेते एलुमनी। क्या होता, प्लूरल होता एलुमनस। इसका सिंगुलर क्या, ये क्या प्लूरल फॉर्म है, इसका सिंगुलर क्या होता एलुमनस। क्या होता एलुमनस, इसमें यूएस को हटा के जब प्लूरल बनाते हैं आई लगाते हैं, क्या लगाते आई, तो ये भी स्टूडेंट से ही बोलते हैं। स्टूडेंट के कितने नेम होते हैं, देखो एलुमनस, फॉलोअर, डिसिपल, अफिशिएनेडो, इज दैट क्लियर, चार पांच नेम है, एलुमनस, फॉलोअर, स्टूडेंट, डिसिपल और अफिशिएनेडो, अफिशिएनेडो, इज दैट क्लियर। तो स्टूडेंट के, और देखते हैं ये सभी बच्चों के आई थिंक समझ में आ गया होगा। और जिस बच्चे ने लिखा नहीं है, जॉट डाउन पेन डाउन नहीं किया, वो उसे पेन डाउन कर सकता है और अपनी नोटबुक में इसी तरीके से सजा के लिखना है सभी को, क्लियर। नेक्स्ट क्या है सर, ये था वाला तो हमने सीख लिया और वेरी गुड। अब क्या है देखो, अब इसमें हम ये चीज सीखेंगे कि गा वाला, फ्यूचर वाला कौन सा सीखेंगे। हमारा ये ध्यान रखना है सभी को, इंडेफिनिट का दूसरा पार्ट चल रहा है, कौन सा चल रहा है, इंडेफिनिट का दूसरा पार्ट, और हम इसमें गा मतलब फ्यूचर वाला सीख रहे हैं। आप इससे समझ जाओगे फ्यूचर, आप इस, और इस फ्यूचर में सिर्फ एक ही बात है, विल के साथ क्या लगेगा प्यारे बच्चों, बी। क्या लगेगा विल के साथ, बी। यही स्ट्रक्चर में भी आप लिख सकते हो कि सब्जेक्ट, क्या स्ट्रक्चर है इसका, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस ओ, जो भी फालतू बात है ओ, और प्लस फुल स्टॉप, इसका ये स्ट्रक्चर है। और नेक्स्ट क्या है मैं आपके लिए बता दूं, इसमें एग्जांपल्स लेते हैं। सभी के साथ विल लगाना, सभी के साथ क्या यूज डाउन करना, आपको विल लगाना है सभी के साथ क्या, क्योंकि मॉडर्न एरा, मॉडर्न जो इंग्लिश, उसमें विल का यूज है, उसमें किसका यूज है, विल का यूज है। सेल नहीं लगाना आई और वी के साथ, आपको सेल नहीं लगाना, मैं बाद में बताऊंगा जब कॉम्पिटिटिव लेवल आपका हो जाएगा, जब एक अच्छी इंग्लिश पे आप पहुंच पाओगे तो मैं आपके लिए ये बताऊंगा कि सेल कहां पे लगता है और सेल क्यों लगाते हैं। अभी आप विल को सीखो, बस किसको सीखना है, विल को, सभी के साथ आप विल को लगाओ, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में विल का ही यूज है, सेल का यूज अब नहीं है। सेल का यूज कंपटीशन में होता है, उसको हम बताएंगे आगे, आप बेफिक्र रहिए, सभी बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं छोड़ी जाएगी, सभी को सिखाया जाएगा। जैसे सभी के साथ विल लगाना है सर पक्का, फिर तो हम सभी के साथ लगा देंगे, वह एक खिलाड़ी होगा, वह एक खिलाड़ी होगा। तो कैसे बनाएंगे, वह एक खिलाड़ी होगा, बहुत ध्यान से देखना, हम बोलेंगे ही, लड़के की बात हो रही है, तो ही विल बी अ प्लेयर, अ प्लेयर, इज दैट क्लियर। वह एक खिलाड़ी, आपको लगाना विल बी, क्या यूज करना है, विल बी, क्या यूज करना है, विल बी। एक एग्जांपल और देख लो, सभी में विल बी आएगा, सभी में क्या होगा, विल एंड बी, विल के साथ क्या आएगा, बी। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे हमने बोला कि हम अमीर होंगे। बस आपको याद रखना है कि इसमें गा, हिंदी की पहचान क्या, गा, फ्यूचर में हिंदी की पहचान गा गई आएगी, पीछे क्या आएगी, गा गई है। इंग्लिश में क्या फ्यूचर की पहचान, इंग्लिश विल है, क्या है, विल। जैसे हमने बोला वी विल, तो हम क्या लगाते हैं, विल के वी के साथ, वी के साथ शैल लगाते हैं, आपको नहीं लगाना, आपको वो गलत नहीं है, वो रॉन्ग नहीं है, बट मॉडर्न इंग्लिश में विल का ही यूज, आपको विल ही का यूज करना है, और आपके लिए बाद में थोड़ी जो कंफ्यूजन आपकी रह जाएंगी वो दूर कर दी जाएंगी कि शैल हम क्यों नहीं लगाते, इस बात को भी क्लियर कर दिया जाएगा। कोई बच्चा इस पे टेंशन मत लेना कि सर हमने पढ़ा आई और वी के साथ शैल आता है, तुमने पढ़ा सही है, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो रॉन्ग है, तुम सही हो, लेकिन ये भी सही है, ये मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से।
सो वी विल बी पुअर या रिच. क्या है? रिच. हम अमीर होंगे. कोई कहने लगे कि हम अमीर होंगे तो वी विल बी रिच. कैसे बोलेंगे? वी विल बी रिच. ये फ्यूचर में विल बी आप कितने भी टेंस बना सकते हो. आप कह सकते हो कि मैं एक किसान होऊंगा या मैं एक आईपीएस होऊंगा. तो आप कह सकते हो इन बातों. आप यू के बारे में यू कह सकते हो. यू बोला तुम एक इंजीनियर होंगे. तुम एक इंजीनियर होंगे तो यू विल बी एन इंजीनियर. एन इंजीनियर. इज दैट क्लियर? सभी के दूसरी कंडीशन समझ में आ गई होगी. चाहे इसे सिंपल कह लो, इंडेफिनेट कह लो, चाहे यूनिवर्सल कह लो, एक ही बात है, दो नहीं है. बस इसमें मैं पार्ट क्यों करा रहा हूं अलग अलग, इसलिए अलग तरीके से अलग पार्ट मैंने चार पार्ट इसीलिए किए कि आप कभी उनमें मिस्टेक ना कर पाओ और आपको सीखने में एक आसानी हो पाए. आई थिंक सभी बच्चों के समझ में आई होगी तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं. अब तीसरा पार्ट कर रहे हैं हम इंडेफिनिट का. कौन सा पार्ट कर रहे हैं? तीसरा पार्ट. देखो ये सेकंड पार्ट खत्म हो गया. तीसरा पार्ट बहुत इजी है. पहले आप ये समझ लो सर डियर कहां लगाते हैं और इसको कहां पे नहीं लगाते. देखो मैं आपके लिए बताऊं. जैसे हम डियर का यूज किया था हमने कि भाई एक लड़का है. क्या किया था? एक लड़का है, एक लड़का है. हमने डायरेक्ट ये बात कही थी कि एक लड़का. तो इसमें हमारे पास सब्जेक्ट नहीं था. मैं आपके लिए बताऊं, हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है उसमें सब्जेक्ट नहीं है तब भी चलेगा. वर्ब है तब चल जाएगा, सब्जेक्ट नहीं है तब चल जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं तब भी चल जाएगा. इंग्लिश इस बात को कहती है. हिंदी का स्ट्रक्चर तो ये है. हिंदी में सब्जेक्ट नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इंग्लिश के लिए सब्जेक्ट चाहिए. अगर आप इसे बनाओ इज अ बॉय तो आप ये बताओ आपके पास सब्जेक्ट क्या है. इंग्लिश का स्ट्रक्चर ही ये होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कोई फालतू बात है वो होगी और प्लस फुल स्टॉप. ये इंग्लिश का स्ट्रक्चर है. ये क्या है? इंग्लिश का स्ट्रक्चर है. और हम हिंदी में स्ट्रक्चर नहीं तब भी बोल सकते. हमने बोला पानी है तो इसलिए भैया डियर लगाते हैं. क्या लगाते हैं प्यारे बच्चों? डियर. कि हमारे पास जहां सब्जेक्ट नहीं होता वहां हम क्या लगाते हैं? किसका यूज करते हैं? देयर का. किसका यूज करते हैं? देयर का. तो ध्यान रखनी है ये बात. अगर इसमें तो कोई था नहीं सब्जेक्ट, लेकिन हम सब्जेक्ट बनाते हैं वह एक लड़का है. वह एक लड़का है. समझना है सभी बच्चों को. तो भैया इसमें तुम्हारे पास सब्जेक्ट है तब डियर का यूज नहीं करना. ही इज अ बॉय. ही इज अ बॉय. तो आप डियर का यूज नहीं करेंगे जब आपके पास सब्जेक्ट है. बेसिकली डियर जब बिगिनिंग में सब्जेक्ट की जगह पर आता तो डियर इज ऑलवेज मीनिंगलेस इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. डियर जब सब्जेक्ट के प्लेस पे आता तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता. ये सिर्फ इसलिए आता है कि हमें रिक्वायरमेंट होती है सब्जेक्ट की. इंग्लिश इस बात को कहती है कि मैं बिना सब्जेक्ट नहीं चलूंगी असर्टिव सेंटेंस में. इज दैट क्लियर? तो आप सभी बच्चों के बात में डिफरेंस पता लग गया होगा कि डियर क्यों लगाते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता. जिसमें सब्जेक्ट होता उसमें डियर की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ती हमें. आई थिंक ये बात सभी को समझ में आई होगी. तो मैं आगे चलता हूँ. तीसरी कंडीशन सिखा रहा हूं तुम्हारे लिए. इंडेफिनिट बोलो, यूनिवर्सल बोलो, चाहे सिंपल बोलो, इसकी तीसरी कंडीशन क्या है? ध्यान से देखना सभी बच्चों को. तीसरी कंडीशन पे चल रहे हैं हम, जिसे मैं पहले है में ही कराता हूं. दैट मींस प्रेजेंट में बताऊंगा, प्रेजेंट फिर पास्ट फिर फ्यूचर. इसी तरीके से मैं कराऊंगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी. इसका नाम होता है यूज ऑफ हैज हैव. क्या बोलते हैं इसे? यूज ऑफ हैज हैव. सर हैज हैव? हाँ हैज हैव. या तो हैज है और या हैव है. कैसे लगाना है सर? ये बात तो समझ में नहीं आती. मैं बताऊंगा कैसे समझ में आएगी. मैं समझाऊंगा आपके लिए. जैसे आपने ही सी इट, ये आपके सब्जेक्ट बनेंगे या कोई नाम बनेगा. जैसे हमने बोला श्याम, या क्या बोला? श्याम. जैसे शिव, क्या बोला? शिव. तो इनके साथ क्या आएगा? इनके साथ आएगा हैज. हैज क्यों आएगा सर? जब तो आप लगा रहे थे इजारम, हैज इसलिए आएगा. इन दोनों के लिए या तो रखता आ जाए और या आ जाए पास. क्या आ जाए सर जी? रखता पास ना आए. जब भी लग सके कि हाँ लग सकते हैं. इसका एक सीधा मतलब ये है कि जो आपके अधिकार में कोई चीज है, किसमें? आपके पजेशन, जिस पे आपका पजेशन है, आपका अधिकार है,
मान लो मैं बोलता हूँ कि मेरे पास तीन मार्कर्स है। मैंने बोला मेरे पास एक कैप है, मैंने बोला मेरे पास एक मोबाइल है, उसके पास एक घड़ी है, उसके पास एक रिस्ट वॉच है, इज दैट क्लियर? तो इनमें अधिकार दिखाया जाता है। ये बता मेरे पास ये मार्कर है, मैं इनको एक तरफ रख सकता हूँ, किसी को दे सकता हूँ, इनसे पढ़ा सकता हूँ, मेरा अधिकार है। क्यों है मेरा अधिकार? क्योंकि मेरे हैं, क्योंकि ये मेरे हैं। और यही चीज आपको सीखनी है, इसी चीज को मैं बहुत अच्छे से आपके लिए बताऊंगा। जो बच्चा इस पास और रखते को समझ जाता है, वो ये मान लो अपने आप में ग्रेट है। इस बात को आप लिख लो वैसे एक बार, पास और रक्षा सर रखता के लिए नहीं, दोनों के लिए, किसी के लिए कुछ भी लगेगा, हिंदी कोई भी आ जाए, हमको इस हिसाब से चलना है। अगर आगे ही सी इट और एक नाम आ जाए, मान लो मैंने कहा उसके पास दस घोड़े हैं, तो ही है जाएगा, ही है जाएगा। मैं आपके लिए बताता हूं, देखो। और सर हैव किसके लिए आएगा? आई यू वी और दे, और दे, दे आई यू वी दे, इनके साथ क्या आएगा प्यारे बच्चों? हैव आएगा। क्या आएगा? हैव। सर हैव आएगा कैसे? आएगा देखो ध्यान से, मैं आपके लिए बताता हूं, देखो बहुत ध्यान से, आपको ध्यान लगाना है, और जब ही आपके माइंड में सेट हो पाएंगे, देखना ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ आपके लिए। स्ट्रक्चर भी लिख लो इसका, ये सभी ने जॉट डाउन कर लिए होंगे, और स्ट्रक्चर ध्यान से देखना है सभी को। स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस या तो हैज है और या है, या है प्लस कोई चीज है, कोई भी चीज है, या हम उसे नाउन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्योंकि हमारे अधिकार में जो भी दुनिया की चीज होगी वो नाउन होगी, क्योंकि एवरीथिंग इज नाउन। मैं कह सकता हूं जिस चीज का नाम होता है वही नाउन है। ज्यादा बड़ी डेफिनेशन माइंड में नहीं रखनी, जिस दिन पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाऊंगा आपके सभी कंफ्यूजनों को दूर कर दूंगा, और इतनी छोटी डेफिनेशन बताऊंगा आपको पल में याद हो जाएगी, पता भी नहीं पड़ेगा कि हमने याद भी की, आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको सिखा दूंगा उसे। क्या कर दूंगा? सिखा दूंगा। तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से चलते हैं, या तो हैज आता और या हैव आता, ये मैंने आपके लिए बताया, ही सीट के साथ हैज और आई यू वी दे के साथ हैव आता है। जैसे हमने कहा, हम बोलते हैं कि वह एक शेर रखता है, वह एक शेर रखता है। क्या बोला हमने? वह एक शेर रखता है। तो आपको माइंड में ये सेट करना है, सर रखता आ गया तो तुरंत आपको माइंड पे माइंड लगाना है कि सर रखता आ गया, या तो हैज आएगा और या हैव आएगा। तो वह के साथ क्या आएगा प्यारे बच्चों? हैज आएगा। क्या आएगा? हैज आएगा। ही हैज आ लियोन, आ लियोन, इज दैट क्लियर? ये क्या आया रखता के लिए? हैज आया। क्या आया रखता के लिए? हैज। एक और एग्जांपल दूं मैं स्ट्रक्चर को, इसको मिटा देता हूं, सभी बच्चे ध्यान से उतार लिया होगा सभी ने, और उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसी की जगह पे लिखना है। देखो जैसे हमने बोला मोहन, क्या बोला? मोहन के पास एक घोड़ा है, एक घोड़ा है। भैया याद रखना इस बात को, चाहे रखता आ जाए और चाहे आ जाए पास, तो मोहन हैज आएगा। मोहन के साथ क्या आएगा? हैज। आ हॉर्स, आ हॉर्स। एक मिस्टेक और मत करना, ये देखो ध्यान से, ये बताओ मोहन और घोड़ा एक तो नहीं है, मोहन के पास में है घोड़ा, तो मोहन उसे बेच सकता है, मोहन उसे किसी और के लिए दे सकता है, मोहन उस पर सवारी कर सकता है, तो मोहन का अधिकार है। तो ये हैज हैव क्या दिखाते हैं? पजेशन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? पजेशन। हैज हैव के बाद में यहाँ पे कोई वर्ब का यूज नहीं कर रहा मैं, वो परफेक्ट हो जाता है, उसके इस बारे में बाद में बताएंगे। पहले ये समझना है कि हैज हैव एक पजेशन दिखाता है। क्या दिखाता है? पजेशन। और पजेशन का यूज सभी के समझ में आया होगा आई थिंक। और देखते हैं, इसे मैं इरेज कर रहा हूं, जिस बच्चे ने नहीं लिखा है वो लिख लो अपनी नोटबुक पे, ध्यान से देखना है सभी को बहुत इत्मीनान से और सुकून से समझना है, सभी के समझ में आएगा। ये मेरा आपसे एक प्रॉमिस है, और ये डिटरमाइन करता हूं मैं आपके सामने कि मैं आपको सिखा के मानूंगा, मैं आपको सिखा के मानूंगा। आप कितने ही वीक बच्चे हो और आपको ये लगता है कि यार मैं तो सीख ही नहीं सकता, मेरा वादा है इंग्लिश में आप एक अच्छे स्टूडेंट होंगे, एक अच्छे विद्यार्थी बन जाओगे। आपके लाइफ में इंग्लिश एक प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। आप अगर इन वीडियो को सभी को देखो, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आप सभी वीडियो को देखना,
देखना, किसी वीडियो को मिस नहीं करना, और आपको बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं देखना। और एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हमने कहा एक एग्जांपल बहुत प्यारा, हिंदी में हम क्या बोलते हैं जो हमें अच्छा लगता है, हिंदी में वो बोलते हैं जो हमें अच्छा लगता है, लेकिन इंग्लिश में आपको माइंड सेटअप करना है, अपना क्या करना है, माइंड सेटअप करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, मैंने ये बोला, मैं बोलूं कि मेरे पास दो हाथ है, मेरे पास दो हाथ है, क्या है, दो हाथ है। कोई तो ऐसे बोल दे, बोलने को ऐसे भी बोल सकता है कि मैं दो हाथ रखता हूं, मैं दो हाथ रखता हूं, हाथ रखता हूं, मैं दो हाथ रखता हूं। लेकिन अच्छा कैसा लगेगा वो देखो, हिंदी में वो बोलते जो अच्छा लगता है। कोई ऐसे भी बोलेगा, मेरे दो हाथ हैं, लेकिन ये तुम्हें माइंड में सेट करना है कि है तो उसी के, अधिकार तो मेरा ही है। ये बताओ मैं अच्छा लगता हूं क्या बोलता कि मैं दो हाथ रखता हूं, नहीं लगता अच्छा। ये भी अच्छा नहीं लगता कि मेरे पास दो हाथ हैं, नहीं अच्छा ये लगता है सुनो कि मेरे दो हाथ हैं। लेकिन माइंड आपको लगाना कि रखता और पास वाला ही टेंस है, रखता और पास वाला, जरूरी थोड़ी है। मान लो किसी के पास पत्नी है तो ये कहेगा कि मैं एक पत्नी रखता हूं, नहीं वो ये भी नहीं कहेगा कि मेरे पास एक पत्नी नहीं, वो ये कहेगा मेरे एक पत्नी है। हिंदी में वो बोला जाता है जो अच्छा लगता है, ये आपको माइंड में उसको सेट करना है कि यार ये इसका सेंस क्या है। जैसे आप यहीं पे देख लो, क्या अच्छा लगता है कि मेरे पास दो हाथ है, नहीं।